के पुल पर कदम रख। एक मिनट पॉइंट ऑफ ऑर्डर दूंगा, पहले गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। साहब मैं आप अनुमति दे तो एक छोटी सी स्पष्टता मनीष जी की ओर से करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रमुख, एक सेकंड भैया, पर एक सेकंड बाद में उठाऊ, बाद में उठाऊ ना, बाद में उठाऊ। छोटी सी स्पष्टता मनीष जी से करना चाहता हूं, अगर आप अनुमति दे तो कांग्रेस पार्टी के और से चर्चा की शुरुआत हुई, वो ये तो स्पष्ट ही नहीं किया कि धारा 370 जाने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है या नहीं, ये तो जरा स्पष्टता कर दो। अध्यक्ष जी आप बोलना चाहते हैं? पुनीत जी हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी अध्यक्ष के पक्ष में या खिलाफ में, यू बोल दे दो। अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, अध्यक्ष जी एक अंग्रेजी की किताब है, हर चीज काली और सफेद नहीं होती, दे आर 50 शेड्स ऑफ ग्रे इन बिटवीन। तो मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत अदब और सत्कार से ये कहना चाहता हूँ, शायद गृह मंत्री जी कुछ और सोच रहे थे, उन्होंने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने साफ तौर पर ये कहा कि बगैर जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अनुमति के आप धारा 370 को खारिज नहीं कर सकते, और अगर आप, एक मिनट बैठ जाइए, अरे क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ ना यार, बैठ जाओ ना, जवाब दे रहा हूं गृह मंत्री का, क्यों चक रहे हो, बैठ जाओ और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पार्टी क्लैरिफाई, बैठ जाओ, विद दी वेदर दे अध्यक्ष जी आप मेरे को जवाब देने दीजिए, अध्यक्ष जी आप मेरे को जवाब देने दीजिए, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक विधेयक के प्रावधान से विधानसभा और विधान परिषद पढ़ना चाहते हैं और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा के विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद को भारत की संसद पढ़ना चाहते हैं, तो ये संवैधानिक त्रासदी है। गृह मंत्री जी मेरे को उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप मारन जी, दादा आपका जन्मदिन है, आज बैठ जाओ, शाम को नाम बधाई आपको जन्मदिन की, जन्मदिन की बधाई, सारा सदन दे रहा आपको। नॉट गेटिंग पॉइंट ऑफ ऑर्डर सर, अंडर रूल 229 रेड 230231 सर, व्हेन अ मेंबर इज अरेस्टेड ऑन अ क्रिमिनल चार्ज और फॉर अ क्रिमिनल ऑफेंस और सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट बाय कोर्ट और डिटेन अंडर एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, द कमिटी जज, मैजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एज द केस मे बी शैल इमीडिएटली इंटीमेट सच फैक्ट टू द स्पीकर इंडिकेटिंग द रीजन फॉर अरेस्ट, detention or conviction as the case may be, and as also the place of detention or imprisonment of the member in the appropriate schedule. Sir, just a minute, sir. Sir, I'm not reading 230, I'm reading 231. As soon as may be, the speaker shall, after receiving a communication, refer in rule to 229 or 230, read it out to the session. The session is there. Sir, Mr. Farooq Abdullah, a member of this house, is missing. He's arrested. We have no intimation. The war minister is here. You as the speaker should protect the members. You should be neutral. And you should what is the state of Mr. Farooq Abdullah? Jugal Kishore Sharma ji, maanye sadasya, aap boliye. Aap maanye sadasya, main ek minute. माननीय सदस्य, पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिना किताब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर बोलोगे क्या? एक मिनट रुक जाए, ये जवाब मुझे देना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर का। नो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब मुझे देना है, माननीय गृह मंत्री जी को देना है, व्यवस्था आपने मुझे दी है। हाँ दादा बोलो। मेरा कोई भाषण नहीं देना, कोई रूल नहीं है बिना रूल के दादा। जो बोलना था मनीष तिवारी जी बोले हैं, मैं केवल इस बात से खुश हूं कि गृहमंत्री बोले हैं कि अगर कोई स्पष्टीकरण चाहिए हाँ देंगे, तो वो स्पष्टीकरण देंगे, बिल्कुल देंगे। मेरा एक तो लोकसभा में लगातार इसको लेकर बहस चल रही है, और इससे पहले अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच भी इसी मुद्दे को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना था। मेरा ये जानना, मैं शंका में हूँ, क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर हो गया, आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया, लेकिन लेकिन
नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशन की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो का इंटरनल मामला है नंबर वन। शिमला एग्रीमेंट लाहौर समझौता हम लोग किए थे वो का इंटरनल मामला था, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखल अंदाज मत करो, तो फिर उसके बाद भी क्या कि जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? ये तरह तरह की बात है, ये तरह तरह की बात है। आपने सबको धाजिया उड़ा के हमें समझना चाहिए, हम तो जानना चाहते हैं। सभापति महोदय, कांग्रेस के सदन ने नेता ने एक मामला उठाया कि मैं जो बिल और संकल्प लेकर आया हूं इसके लिए सदन क्या अधिकृत है या नहीं। ये मामला 1948 में यूएन में पहुंचाया गया था, कश्मीर का विलय और इसके बाद की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने जो पाकिस्तान के साथ शिमला करार किया इसका भी जिक्र किया और उन्होंने एक तरीके से एक गृह की कॉम्पिटेंसी पर सवाल उठाया है कि ये गृह ये विधेयक को चर्चा के लिए हाथ में ले सकता है या नहीं ले सकता है। मैं इसका जवाब देना इसलिए चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिटिकल चीज नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये कानूनी है और इसके रिप्लिकेशन आने वाले दिनों में संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसकी स्पष्टता अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान और जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना था उस वक्त, ये दोनों संविधान में बहुत क्लैरिटी के साथ की है। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370(1)(c) में द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 एंड ऑफ दिस आर्टिकल शैल अप्लाई इन रिलेशन ऑफ टू दैट स्टेट, मतलब जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 1 के सारे प्रोविजन अप्लाई करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, भारत एक सभी राज्यों का संघ है और इसके अंदर भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद हमारी सबसे बड़ी पंचायत पूर्णतया कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी एन इंटरगल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम का दोनों चीजें मैं लेकर यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूँ तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित
अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत घोषणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वर्तमान जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन करने तथा उससे संबंधित मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बनने से पहले जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा थी उसके साथ राय मशवरा किया गया था और ये चीज इस सदन के रिकॉर्ड में है, ये सदन के रिकॉर्ड में है। आप इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। यूपीए की सरकार ने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया था। संविधान धारा 3 के जो प्रावधान थे उन प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से राय मशवरा करके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना